देखिए हमारी मुख्य रूप से मांग यही है, जो एनटीए लगातार इस तरीके का घोटालेबाजी कर रहा है और जिस तरीके से सरकार उसको संरक्षण दे रही है, अभी तक सरकार की तरफ से भी उनको बर्खास्तगी नहीं मिली है। जो शिक्षा मंत्री है, जो मामी डाला है, जो यूजीसी चेयरपर्सन है, हम चाहते हैं उनको उनकी बर्खास्तगी हो, उनको इस्तीफा दे, उनका इस्तीफा चाहिए। दूसरी बात, एनटीए जिस तरीके से लगातार इस तरीके के पेपर लीक में बार बार इस तरीके की उनकी खबरें आ रही है, एनटीए को भंग किया जाना चाहिए। इस तरीके के एनटीए जो है बार बार छात्रों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, इतने पेपरों की तैयारी करने के बाद इतने सालों की मेहनत छात्रों की जो बर्बाद जा रही है, हमारी लगातार ये मांग रही है। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को बेचा जा रहा है, हम नहीं चाहते कि शिक्षा को कुछ चंद अमीरों के हाथों में भेज दिया जाए। लगातार शिक्षा में जो सीट है, सीट की कटौती होती जा रही है। लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन सीटों में बढ़ोतरी के लिए लगातार डिमांड उठाता रहा है और इसीलिए आज हम जंतर मंतर पे आए हैं कि कल 6 तारीख को भी एनटीए ने जो काउंसिलिंग है वो कैंसिल करी है। इससे ये साबित होता है कि सरकार उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही है और वो अपने मन से जो उसके मन में आ रहा है वो करे जा रही है। यानी कि सरकार उसके साथ है, सरकार छात्रों के साथ नहीं है। बस बोलने के लिए सरकार बोलती है कि छात्रों के लिए हमने बहुत अच्छे कानून बनाए, लेकिन कोई कानून नहीं है। ये प्रोटेस्ट करना हमारा कोई शौक नहीं, मजबूरी है। आज लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है जब ये बात निकल के आई है कि लगभग 40 लाख बच्चों का भविष्य सिर्फ जून महीने में दांव पे लग गया। नीट का रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद 18 जून को भी एनटीए यूजीसी का पेपर कैंसिल होने की खबर आई। सिर्फ 1 महीने के अंदर 40-50 लाख लोगों का भविष्य खतरे में आ गया। हम प्रोटेस्ट करने को, एनटीए का जो डिसबैंडमेंट का मांग कर रहे हैं उसके लिए हम मजबूर हैं। मामला यह है कि आंकड़ा यह आया, 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। हम कैसे शांत रह सकते हैं? हमारा खुद का इशू है, मैं डीयू में स्टूडेंट हूँ, हमारा नेट जेआरएफ का पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है, कह रहे हैं इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अगर एनटीए की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो एनटीए दोबारा एग्जाम लेने के लिए सक्षम नहीं है, एनटीए को बंद होना चाहिए, एनटीए की हम डिमांड करते हैं कि खत्म हो। My name is Madhulika. I did appear for UGC NET exam and then very next day I was informed that the exams have been cancelled and they will be rescheduled. And basically all our efforts, like all our opportunities have been simply put on stake because the government does not care, the NTA does not care, the UGC does not care and even the education ministry does not care. We have actually lost all trust even if they are conducting exams. We know that it is not going to be in a fair manner. We demand disbandment of NTA. That is why we as students are here to raise our demand that we do not want that corrupt NTA to organize to hold exams, which is completely incompetent in conducting exams in a fair and just manner. But the government is saying they are conducting a free and fair investigation of all these matters, and those students who are facing the issues have also given the re-examination option. So why you all are protesting? Since 7 years, more than 70 exams have been, there have been rampant paper leaks, there have been rampant cancellation of exams, there have been postponements. What was the government doing then? Now suddenly government is saying, and how are we supposed to trust the government? If the government is successful in disbandment of NTA, the National Thug Agency, the National Trash Agency, which is completely anti-student, till then we are not going to trust the government. And especially we are demanding the resignment of the Education Minister Dharmendra Pradhan, because he is completely incapable of assuring students of fair and just exams.